दोस्तों बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मारुति ब्रेजा जो आई है हॉट एंड टैकी ब्रेजा, वो सीएनजी के साथ अब देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अब क्या देखने को नहीं मिलेगी, सीएनजी के बैच के साथ सीएनजी सिलेंडर के साथ वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी और एक्सपो में, और वो गाड़ी लॉन्च भी होगी। वो किस लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना, और उससे साथ साथ आप लोग जानते होंगे कि कुछ कुछ शोरूम में ये गाड़ी अवेलेबल भी करा दी गई है। 8 लाख रुपये से लेके करीबन 14 लाख रुपये तक ये शोरूम प्राइस में आती है। और इसमें इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, और कितने हॉर्स पावर देता है, करीबन 86 की हॉर्स पावर दे देता है, और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। 5 सीटर गाड़ी है, उसके साथ साथ 19 KMPL से लेके 20 KMPL का माइलेज देखने को मिल जाता है। वहीं अगर सीएनजी की बात करी जाए तो सीएनजी में आप सभी लोगों को करीबन 26 KMPL का माइलेज देखने को मिलेगा, वो भी सिटी में। और इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें या वेरिएंट्स की बात करें तो वेरिएंट्स इसमें करीबन आते हैं 15 LXI ZXI ZXI+ ZXI CNG VXI CNG VXI CNG, ऐसे करके इतने सारे मतलब वेरिएंट आते हैं। और उसके साथ साथ इसके कॉम्पिटिटर क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्सॉन है, हुंडई वेन्यू है, और क्रेटा है, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर भी हैं, क्योंकि यही सब मिड साइज एसयूवी में आती है। लेकिन मारुति के अगर प्रोडक्ट है तो सबसे ज़्यादा सेल भी यही होता है। और उसके साथ साथ अगर इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से बात करें कि क्या कुछ अपडेट होने वाले हैं, तो सीएनजी के साथ आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। सामने की प्रोफाइल में आपको 2 DRLs 2 प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, जो कि लो बीम हाई बीम के लिए मिलते हैं। और उसके साथ साथ 360 डिग्री व्यू कैमरा भी इनमें देखने को मिल जाएगा। सीएनजी सिलेंडर होगा, बाकी कोई भी कॉम्प्रोमाइज बूट स्पेस वगैरह से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सिलेंडर के प्लेसिंग दे दी जाएगी। और सीएनजी के साथ साथ हाईवे पे कितना माइलेज देगी, तो अप्रॉक्स मान के चलो कि 27 से 28 केएमपीएल का माइलेज जो है पर केजी का देखने को मिल जाएगा ब्रेजा में। और उसके साथ साथ वॉगलप मिलते हैं, 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा आप सभी लोगों को, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल मिल जाएगा, जो कि काफी मस्त लगता है अंदर से। और स्टीयरिंग व्हील पर आप क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। और बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में आपका लगेज आराम से आ जाएगा, सीएनजी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सीएनजी गाड़ी है, पेट्रोल से अगर महंगी हो गई सीएनजी, तो क्या सीएनजी गाड़ियां लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।